गजानंद तुम्हें मनाऊंगी मैं। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय। प्राण प्रतिष्ठा के ये पल चिरस्थाई है। भगवान की बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। राम सो बड़ो है कौन, मोसो छोटो कौन। राम सो खरु है कौन, मोसो खोटो कौन। राधे इस नंदन कानन में कभी मजदूरों की झोपड़ियां थी। विला बनकर तैयार हुए तो झोपड़ियां उजड़ गई। किसी ने सजाया समारा नहीं, यहाँ घना जंगल उगाया। कटीरी झाड़ियों में सांपों ने बसेरा कर लिया। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब यहाँ के निवासियों ने इसे समारा, हरी भरी घास, दरख्तों और फूलों को नंदन वन का नाम दिया। और आज नंदन वन की आत्मा अर्थात राधा कृष्ण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आखिरी दिन है। दिव्य चेतना के साथ देवी देवता यहाँ विराजेंगे। सुबह शाम पूजा अर्चना आरती होगी। घंटियों की आवाज और स्वर लहरियां दिल मोह लेंगी। मुख्य द्वार पर प्रथम पूज्य गणेश जी की स्थापना से आज का महोत्सव प्रारंभ हुआ। कलश यात्रा, अधिवास यज्ञ आदि के विधि विधान से मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की गई। रात्रि शयन के उपरांत आज 15 अप्रैल 2024 की सुबह उनकी यथास्थान स्थापना अनुष्ठान प्रारंभ होने जा रहा है। विद्वान पांडित जी से इस विषय में। ये हमारे सनातन परंपरा में किसी मंदिर की स्थापना होती है और फिर उसमें मूर्तियों का जो स्थापन होता है उसके लिए ये 3 दिन का कार्यक्रम निश्चित किया जाता है, जिसमें हवन इत्यादि और अधिवास करके विभिन्न वस्तुओं में विभिन्न फल फूल घी जल आदि जो है अनाज आदि चीज़ों से मूर्तियों का अधिवास करके और जो भी सनातन में मंत्रों के द्वारा अभिभूत करके फिर उनकी जो है प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो कल जो है दूसरे दिन उनको रात्रि को ये संपन्न हुआ और उनको रात को शयन कराया गया। आज जो है अंतिम दिन मूर्तियों को उनके यथा स्थान पर सुशोभित किया जाएगा। धन्यवाद। मेरे साथ आप भी इन स्वर्णिम पलों के साक्षी बनिए। सनातन परंपरा में भगवान शिव का अत्यंत महत्व है। शिव परिवार अकेले शिवजी महाराज ऐसे ही देवता हैं जो अपने परिवार के साथ विराजमान रहते हैं। और नंदी महाराज की स्थापना हो रही है। शिवजी के वाहन नंदी उनकी स्थापना हो रही है। अभी आपने देखा शिवजी के वाहन नंदी जी की स्थापना। शिव परिवार में माता पार्वती की स्थापना की जा रही है। भगवान कार्तिकेय की स्थापना।
शिव परिवार में सर्वप्रथम गणेश जी की स्थापना हो रही है। ओम नमो शिवाय। वन में आए श्याम तेने कैसी ठानी रे, श्याम मोहे वृंदावन जानो, लौट के बरसाने आनो, मेरे कर जोरे की मानो, जो मोहे होए अबेर लड़े घर सास जिठानी रे। झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन से विषयों के विष को मिटाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। राम मानो कह रहे हैं, संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, मैं इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। कान्हा नंदन कानन में आइये यो, बुलाई गई राधा प्यारी कान्हा माखन मिश्री खाइये यो। दुर्गा शेरों वाली माता तेरी सदाई जय, बोल साचे दरबार की जय। मोरिया गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। और सबका दुख दूर करने वाले संकट मोचक हनुमान। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुक्मिव वंदनामृत्योर्मुक्षीमामृतात्। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, किसने जानी
तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। हारे ऋषि मुनि कर ध्यान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। तू ही जल में, तू ही थल में, तू इस माटी के कण कण में, तेरा रूप अनूप महान। ले लो ले लो प्यारा नाम, आवाज लगाऊं गली गली। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। लूट लो जिसका दिल चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली। पवित्रेण श्रुतधारेण श्रुत्वा काम दुःखाः सर्वपूर्ण स्वाहा। यज्ञ नारायण भगवान की, यज्ञ पुरुष भगवान की। गंधारी संपूज्यः के बाद क्यों ना भगवान शिव को पुकारे। तू आजा भोले बाबा, तू आजा भोले बाबा, मेरे मकान पे तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान पे। तू आजा भोले बाबा मेरे मकान पे, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जान पे। तेरे डमरू की आवाज सुनकर गणपति आ गए, गणपति आ गए। संग रिद्धि सिद्धि लाए, संग रिद्धि सिद्धि लाए, मेरे मकान पे
तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान पे। अनुष्ठान संपन्न होने पर पूर्ण आहुति दी गई। रोली और चंदन, हवन सामग्री, मीठी वस्तु घी में डालकर पूर्ण आहुति मंत्र से अग्नि देवता को समर्पित की गई। अग्नि पूरी तरह प्रज्वलित रही। यज्ञ से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। नंदन कानन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। आप सबको बहुत 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 बधाई। मागसे दुर्गभाव हमें ब्राह्मणों का आपके प्रति, आपकी संस्था के प्रति, आपके ये जो नंदन कानन के जितने भी सारे जो वासी हैं इनके प्रति हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इनको शुभकामना देते हैं, ये निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, इनका व्यापार वृद्धि हो, इनका व्यवसाय बढ़े, इनके घर में कोई भी इति आदि नहीं आवे और ये संपन्न और अच्छे कर्म में प्रेरित रहे, वेदों के ज्ञाता बने और सत्कर्म पे चले, अच्छे कर्म करें, क्योंकि कर्म से मनुष्य देवता बनता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी कॉलोनी वासी ऐसे ऐसे कर्म करके देवत्व सिद्ध करके और देवताओं की पदवी को भी प्राप्त करें। तो ये मैडम मोनिया शर्मा और सभी कानो कान्हा की बांसुरी के दीवाने हो गए। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया। मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मैं तो कर आई ओ मैं तो कर आई सोला सिंगार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली। बड़े गोप की नई नवेली, मैं तो करने को ओ मैं तो करने को आई मनुहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दर पार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दर पार रसिया। जब से लागी मोहे तो ही लगन वा, द्रव दक्षिणाम समर्पयामि। नमस्कारो मे बोले काशी विश्वनाथ भगवान की। Oh,
भगवान की संख से आरती करने के बाद में उस जल को यदि किसी के ऊपर छिड़क दिया जाता है ना, तो अंग लगे मनुष्य अंगों पे लगने से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले चैनल से प्यार करने वालों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना न भूलें, शेयर भी अधिक से अधिक करें। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का यह चौथा वीडियो है। तीन वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उन्हें भी आप अवश्य देखें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं जल्द ही आपसे फिर मिलूँगा किसी और वीडियो के साथ। नंदन कानन के राधा कृष्ण मंदिर का दिव्य आलोक आपके मन के अंधकार को दूर करे, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।